तो भाई फेसबुक से भी आप कमा सकते हैं पैसे। फेसबुक ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है स्टडी फ्रॉम फेसबुक करके, या फेसबुक स्टडी करके भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भैया आपको प्ले स्टोर पर जल्द ही देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। पहले फेसबुक पर भैया वैसे भी रिकॉर्ड सही नहीं था। 2018 में भैया फेसबुक का डाटा लीक हुआ था, जिससे भैया 5 लाख इंडियन लोग अफेक्टेड हुए थे, उसका शिकार हुए थे। तो फेसबुक का पहले से ही भैया इसका मतलब कि इस मामले में, डाटा लीक के मामले में भैया वैसे भी रिकॉर्ड साफ नहीं है। तो भैया अब वो क्या करने वाला, अब उसने एक ऐप लॉन्च किया है, इसके जरिए खुद ही भैया आप उसे डाटा अपना बेचेंगे, यानी आप खुद ही अपनी जितनी प्राइवेसी है, जितना भी आप जो भी करते हैं अपने मोबाइल में, कितने समय खाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पीते हैं, नहाते धोते, जो भी मतलब कि आपके जितने भी ऐप यूज करते हैं भैया, जितने भी ऐप, यानी कि आप जोमेटो से, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने भी आप यूज करते हैं ऐप, उन सभी का वो भैया करेगा एनालिसिस और देखेगा आप किस तरीके से यूज करते हैं, कितना भैया आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं, कितना आप भैया फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, क्या करने वाले हैं, मतलब कितनी शॉपिंग करते हैं, सारा कुछ देखेगा, उसी के एनालिसिस के हिसाब से आपको फेसबुक पे ऐड दिखाएगा। यानी ऐड के ही पैसे, पहले क्या करता था, पहले भी आपको ऐड देखने को मिलते थे आपको, मतलब कि आप अमेजन पे जाते थे भैया, आपको तो सर्च करते थे रेडमी नोट 7, तो आपको कभी कभी दिख जाता था, वही आपने सर्च किया वहां पर, वही आपको दिख गया फेसबुक पे। तो वैसा वो करता है कि आपका वैसे भी डाटा पहले से ही लीक करता था, लेकिन अब वो लीगली तरीके से आपसे खुद ही डाटा क्या करेगा, खुद ही आपको से खरीदेगा और आप खुद बेचोगे, यानी उसके पैसे बदले में भैया आपको पैसे दे रहा है ना, कुछ दो पैसे देगा, इतना भी पैसा नहीं देगा कि आपके लाखों रुपए हो जाएंगे, कुछ नहीं, वही $10-15 देगा, जो कि भैया एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी राशि धनराशि नहीं है। लेकिन अगर आप भैया पॉकेट मनी अपनी कमाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अपनी प्राइमरी डिवाइस के अंदर आप इसे इंस्टॉल ना ही करें तो ठीक है। आप अगर भैया पैसे कमाना चाहते हैं तो आप एक सेकेंडरी फ़ोन, जैसे कि आपके पास अगर पड़ा हो और उसके अंदर आप फेक आईडी बनाइए, जैसे कि भैया सोना जानू करके बना लेते हो, ऐसे एक और आईडी बना लीजिए और उसी में भैया आपने ये जोमेटो मेटो सारे इंस्टॉल कीजिए, उनकी भी गलत ही आईडी बनाइए और वो भी आईडी बनाइए जिसमें आप अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ शेयर ना करते हो, उस फ़ोन में यानी दूसरे डिवाइस में आप इस तरीके का भैया यूज़ करके कुछ पैसे कमा सकते हैं और भैया अपना खर्चा और थोड़ा रुपये इधर उधर उड़ा सकते हैं। लेकिन आप प्राइमरी जो डिवाइस है उसके अंदर तो ना ही यूज करें, क्योंकि भैया फेसबुक जो है आपका कभी भी ये गड़बड़ हो सकता है कि आपके भैया फोटोज भी कहीं भी पहुंच सकते हैं और आपके भैया जो मैसेजेज हैं वो भी लीक हो सकते हैं। फेसबुक पे इतना भरोसा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही क्लीन नहीं है। तो भैया फेसबुक ने ये कहा है अपनी गाइडलाइंस में, मतलब कि जो टर्म एंड कंडीशन है उनमें लिखा हुआ है कि फेसबुक आपके जो मतलब पासवर्ड और आपकी आईडी का जो वो जो भी है ईमेल वेल वो लीक नहीं करेगा और आपके मैसेजेस को भी लीक नहीं करेगा। लेकिन भरोसा तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आप भैया पैसे कमा, मतलब मैं ये ही रिकमेंड करूँगा कि भैया आप अपनी प्राइमरी डिवाइस में इसे तो ना ही इंस्टॉल करें तो ठीक है। पहले भैया इसने फेसबुक रिसर्च करके एक ऐप मतलब कि ऐप लॉन्च किया था तो एप्पल ने उसे तुरंत ही खारिज कर दिया था, एप्पल ने तुरंत खारिज कर दिया उसने, उससे मतलब उसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं हुई तो उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया। आप भैया एप्पल में देखा होगा कि आप एप्पल में भैया आप फालतू के ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते जो उसकी गाइडलाइंस को मतलब कि पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है, उसमें आप मतलब कि नहीं कर सकते। एप्पल की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी भैया एप्पल का ही फ़ोन यूज़ करता हूँ। और उसके बाद उसने क्या किया भैया, ओनोवो ट्रस्टेड भैया करके एक मतलब ऐप लॉन्च किया जो कि था एक VPN, जिसे उसने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके और उसको भैया फाइनल में डाटा कलेक्ट करके उससे पैसे अर्न करके अब यह उस ऐप को भी उसने हटा दिया। यानी फेसबुक का पहले भैया ऐसे ही करता आ रहा है, कहीं भी अपना मतलब कि बिलियंस डॉलर कमा रहा है, अब उसने सोचा चलो क्या करते हैं, अब लोगों को ही खुद से कहेंगे भैया आप अपना बेचो डाटा और मैं खरीदूंगा। तो भैया अब क्या आप उस पर केस भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही सारी की सारी परमिशंस देंगे, शुरुआत में जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो सारी की सारी परमिशंस आपकी ले ही लेगा और भैया आप परमिशन और हर बार में जब भी आप कोई ऐप यूज करेंगे तो भैया वो आपको मतलब कि नोटिफिकेशन के जरिए आग्रह करता रहेगा, यानी आपको बताता रहेगा कि भैया आप भैया फेसबुक पे ये डाटा क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी खुद ही आप बेच रहे हैं इसे, मैं इसे चुरा तो रहा मतलब ले रहा हूं लेकिन भैया आप चोरी करके नहीं ले रहा हूं, आप खुद दे रहे हैं। तो भैया आपके पास कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन आती रहेंगे जिससे आपको पता चलता रहेगा। लेकिन अगर आप भैया ऐसा मतलब कि प्राइमरी डिवाइस में आप यूज ना ही करें तो अच्छी बात है क्योंकि आपका डाटा लीक होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे फ्यूचर में। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ हेल्पफुल लगी हो तो इसे मतलब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो जो मोबाइल के रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।